इससे भी इंजन का साउंड पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का एचएफ डिलक्स बाइक है, लेकिन चाहे आपके पास हीरो का एचएफ डिलक्स है, पैशन प्रो है, सिटी डिलक्स है या फिर स्प्लेंडर प्रो है, इन सभी बाइक में आपको ऐसा साउंड देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो देखिए बाइक जो अभी चला हुआ है सिर्फ और सिर्फ 21,136 किलोमीटर बाइक चला हुआ है, और यहाँ पे इग्निशन ऑन करके आपको इंजन का साउंड आपको सुना रहे, बिल्कुल बेकार साउंड हो गया इंजन का। बाइक को हम स्टार्ट कर लिए हैं, यहाँ देखिए इंजन से एक टनर टनर का साउंड आता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इंजन से एक टन 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 का साउंड सुनाई दे रहा है। जैसे हम थ्रोटल दे करके थ्रोटल कम करेंगे तो काफी टन 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 का साउंड सुनाई दे रहा है। देखिए अगर आप लोग नॉर्मल साउंड को पता करना चाहते हैं उसके लिए एक इस तरह का इंजन टेस्टिंग आला आता है, हर किसी वर्कशॉप पर यह अवेलेबल नहीं होता है। फिलहाल मैं इंजन टेस्टिंग साउंड के लिए आला का यूज करता हूँ। इंजन साउंड टेस्टिंग करने के लिए एक तरह से आला है, इससे भी इंजन साउंड हम चेकअप करेंगे। अगर ये आपके वर्कशॉप पर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम कैसे चेकअप कर रहे हैं कि इंजन में किस चीज़ का साउंड है, तो उसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक का यूज करेंगे। वह है मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर जिसको हम लोग नॉर्मल पेचकस बोलते हैं, और ये पेचकस आपको थोड़ा लंबा वाला पेचकस लेना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, इससे भी इंजन का साउंड पता चल जाएगा। एक पिस्टन का साउंड है या फिर हेड में साउंड है या टाइमिंग चेन का साउंड है या फिर करेंट का साउंड है। तो आप लोग सोच रहे हैं पेचकस से भाई कैसे पता चलेगा, तो चलिए इस ट्रिक का हम यूज करके आपको दिखला रहे हैं, लाइव प्रूफ आपको साउंड इसका चेकअप करके दिखलाएंगे। स्क्रू ड्राइवर का आप यहाँ पे सेटिंग करना है ब्लॉक के अंदर, और इस सिरा को भाई कान पे लगाना है। कहाँ पे लगाना है, इस वाले इस कान पे, इस तरह देखिए, इस तरह थोड़ा थ्रोटल दे करके कम करना है। तो क्या होगा यहाँ पे कंपन से एक आपको टक 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 का साउंड सुनाई देगा। अगर ये पिस्टन में साउंड देगा तो यहाँ पे टक 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 का साउंड सुनाई देगा। अगर हेड में साउंड है तो इसके लिए आपको हेड के ऊपर इस तरह से सेट चेकअप करना है, इस तरह देखिए। ब्लॉक में साउंड है तो ब्लॉक के ऊपर इस तरह से कहीं पे भी सेटिंग कर देना, इस तरह से सटाना है कान के पास। उसके बाद करेंट में साउंड है तो फिर इंजन के मेन चैम्बर पे चिपकाना है पेचकस को, और इस तरह से अपने कान के ऊपर सिरा पर लगाना है इसको। देखिए इस तरह से हम नॉर्मल पता लगा सकते हैं कैम करेंट का साउंड है, पिस्टन का साउंड है या फिर हेड के अंदर कैम का साउंड है। तो फिलहाल इस बाइक में टंटन का जो साउंड आपको बताया है वो पिस्टन का साउंड है। तो पिस्टन का साउंड क्यों आता है, तो देखिए पिस्टन का साउंड उसी टाइम आता है जब बाइक को हम लोग गलत रॉ फ्यूज चलाते हैं, जिसको बोलते हैं ना रॉ फ्यूज। मान लीजिए तीन गियर में पूरा थ्रेसल देकर करके चलाते रहते हैं, उस टाइम भी इंजन से साउंड आता है। दूसरा हो गया कि इंजन है 2000 किलोमीटर चल गया है, उसके बाद नहीं बदले और बेकार इंजन है, फिर भी ड्राइव करते रहते, घोंग आते रहते, घोंग घोंग करते रहते, उस टाइम भी इंजन का साउंड खराब है। क्योंकि पिस्टन को तो ल्यूब मिलेगा नहीं, इंजन है तो है बैक के अंदर, लेकिन वो ल्यूब हो नहीं पाएगा, उस टाइम भी इंजन का साउंड खराब हो जाता है। अभी टंटन का साउंड बंद करने के लिए इसका एक ही उपाय है, या तो हाफ इंजन का काम करवाए, बोरिंग करवाए, या नहीं तो बड़ा किट नया डालिए। इसका दो ही ऑप्शन है, अन्यथा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है बाइक का इस टंटन का साउंड को रिमूव करने के लिए। तो आप लोग ऐसा लापरवाही नहीं कीजिएगा कि बाइक को आप लोग गलत ड्राइव, अगर 2000 किलोमीटर इंजन ऑयल चल गया तो तुरंत आप इंजन ऑयल को चेंज कर लीजिए। अगर आप फुल थ्रॉटल दे करके बाइक को चलाते हैं तो उस टाइम आपको करना क्या है, फोर गियर में डाल करके चलाइए, ये नहीं को पूरा एक्सीलरेटर कम कर दिया एक बार गांव से उठाए। ऐसा करने से आपका बाइक का इंजन का साउंड खराब हो जाएगा, बाइक आपको बिल्कुल बेकार रद्दी थर्ड क्लास हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ब्लॉक चेंज करिए, जो भी पार्ट चेंज करना करते रहे, फिर आप इंजन से हो गए परेशान, हो गया बाइक ना व्हाइट स्मोक कर रहा है, ना धुआं दे रहा है, ना इंजन ऑयल कम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टन में टन टन का साउंड आ रहा है बाइक को गलत ड्राइव करने से, रफ यूज करने से। आप लोग रफ यूज बाइक को कभी नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग इस आला से भी इंजन का साउंड टेस्टिंग करना चाहते हैं, इस तरह से इसको कान पर लगाना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से चेकअप करना है। दूसरा सिरा को आपको इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर डालना है, अगर ब्लॉक में साउंड रहेगा तो आपको पता चल जाएगा सक्सेस सक्सेस कान में साउंड सुनाई दे रहा है, अगर हेड में साउंड रहेगा तो उसी तरह से पता चलेगा टक टक का। फिलहाल इस बाइक में जो साउंड है वो पिस्टन का साउंड है टन टन का, स्क्रू ड्राइवर के मदद से इंजन का साउंड चेकअप के हैं। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट का को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आप लोग सोच रहे हैं इंजन बनाने में इसका बजट कितना आएगा, अगर हाफ इंजन का काम होगा तो 3500 से 4000 रुपया तक बजट आ जाएगा ब्लॉक बोरिंग करा करके।
अगर ब्लॉक चेंज करना चाहते हैं तो 4500 से 5000 तक समथिंग बजट आ जाएगा, क्योंकि देखिए अभी समय के अनुसार थोड़ा प्राइस पे प्राइस भी महंगा हो गया। जैसे पहले ब्लॉक मिलता था 1600-1700 में, अभी उसी के जगह 2000-2500 रुपये समथिंग ब्लॉक किट का प्राइस हो गया होगा, इसलिए हम प्राइस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग बाइक का काम कराना चाहते हैं तो पैसा के पीछे आप लोग कभी नहीं जाए, एक अच्छा मैकेनिक से इंजन का काम करवाइए, जो भी पार्ट डालते जेन्युइन डालिए। बहुत बार हमने देखे हैं कि कम पैसा के चक्कर में इंजन को रद्दी कर देता है, बिल्कुल बेकार कर देता है।